इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, राम रहीम की सबसे करीबी हनीप्रीत के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, राम रहीम की मुंह बोली बेटी है हनीप्रीत इंसा और राम रहीम के जेल जाने के बाद से फरार चल रही है। अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है हनीप्रीत इंसा के खिलाफ, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि देश छोड़कर नहीं जा पाएगी हनीप्रीत। एबीपी न्यूज संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है इस लुकआउट नोटिस को लेकर? देखिए, पुलिस इनको लगातार ढूंढ रही है, पिछले दिनों से लगातार इनको ढूंढा जा रहा है। गुरुसर मोड़िया जो डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम का इसका गांव है राजस्थान में, तो वहां पर भी पुलिस गई थी। अलग अलग जगह पर पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस ने एक जो धीमान इंसा है उसको गिरफ्तार कर लिया। बेसिकली इन लोगों के खिलाफ भीड़ को इंस्टिगेट करने के लिए जो नोटिस जारी हुआ, बकायदा तौर पर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था इनके ऊपर। उसके बाद पुलिस लगातार बातचीत भी कर रही है कि ये गिरफ्तारी, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी होनी है, गिरफ्तारी हो इनकी, तो गिरफ्तारी इनकी अभी तक नहीं हुई है, इसीलिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जो है दित्य इंसा, पवन इंसा, ये मेन लोग हैं, ये दित्य इंसा हैं जो ये डेरा की तरफ से मीडिया देखते थे, यानी मीडिया से किसकी बात होगी किसकी नहीं होगी, ये सारी जो डायरेक्शन थी, जो जितनी भी इनकी संगत होती थी उसको डायरेक्शन भी ये देते थे। तो बाबा के खासम खास हैं जो आदित्य इंसा थे, तो आदित्य इंसा की अभी तलाश जारी है पुलिस को, इसीलिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। शुक्रिया आपका यादवेंद्र इस जानकारी के लिए। राम रहीम की मुंह बोली बेटी है हनीप्रीत और लुकआउट नोटिस जारी किया गया है हनीप्रीत सहित तीन लोगों के खिलाफ। यादवेंद्र, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, एक सवाल का जवाब और आपसे चाहेंगे, यादवेंद्र का हम आगे रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें हनीप्रीत वो शख्स है जो राम रहीम के सबसे करीबी है, राजदार उसकी मानी जाती है और राम रहीम के जेल की सलाखों के पीछे जाने के बाद से ही फरार चल रही है। अब उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा आदित्य इंसा जो कि राम रहीम का अपना बेटा है, उसके खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। देश छोड़कर ये लोग नहीं जा पाएंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।